Hi, I'm Archana Puran Singh, and you're watching The Kapil Sharma Show. So subscribe to Set India and hit the bell icon. Excuse me. आपको कहीं देखा देखा ऐसा लगता है? आपको मैं नहीं जानती. अरे मुझे तुम भूल गई. मैं तुम्हारा पड़ोसी हुआ करता था. याद नहीं मेरे घर में बड़े सेलिब्रिटी आते थे. हाँ 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 मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा. अरे तू कितनी बार तो आई अपनी मम्मी के लिए शेविंग रेजर लेने मेरे घर से. हाँ 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 मुझे अब भी याद नहीं आया. एक दो बार अपने पापा के लिए लिपस्टिक भी मांगने आई थी. हाँ मुझे याद नहीं आ रहा. तो तुम्हें कैसे याद आएगा फिर? जब हमारी फैमिली के बारे में तो डंकी बात करोगे. जब से मम्मी शेविंग की पापा लिपस्टिक नहीं आ रही. क्या होते हैं यार. तो इतने दिन बाद क्यों आई? कहाँ थी तू? मैं वो ना हॉस्पिटल में थी. क्या हुआ था कि हॉस्पिटल का जो बोर्ड था ना. हाँ. उसका ना पी खराब हो गया था. तो 6 महीने से मैं पी बन के खड़ी हुई थी वहाँ पे. ऐसे पी बन के खड़ी हुई थी. अभी उन्हें लगवा लिया तो फिर मैं यहाँ पे आ गई. अच्छा इतने दिनों बाद आई. कुछ खाएगी? वाह लगता है काफी माल बना रहे हो आजकल. खाओगी? वेरी गुड यार. सिद्धू जी. हाँ जी. मैं आई हूँ लेकिन मैं आपके लिए ना एक सबसे पहले गाना गाना चाहती हूँ अगर आप. यू डोंट माइंड. ठोको. ब्रेकफास्ट में खाए स्प्राउट गरम गरम. ब्रेकफास्ट में खाए स्प्राउट. ब्रेकफास्ट में खाए स्प्राउट गरम गरम. ब्रेकफास्ट में खाए स्प्राउट. ओ ब्रेकफास्ट में खाए स्प्राउट गरम गरम. ब्रेकफास्ट में खाए स्प्राउट. सिद्धू जी सिद्धू जी सिद्धू जी सिद्धू जी सिद्धू जी जीरो पे आउट गरम गरम. सिद्धू जी जीरो पे. आई नहीं तो क्या हो गया. मैं प्रोग्राम तो देखती हूँ ये वाला. गानों में उलझ गई यार. जिस बात के लिए मेन बात के लिए जिसके लिए मैं आई हूँ वो तो मैं आपको बता दूँ. मैं आई हूँ इस बात के लिए कि रणबीर कपूर जी हैं जो ये मेरे हस्बैंड. मैं अपने हस्बैंड से अब सेपरेशन करने के लिए आई हूँ और इनसे लूंगी मैं तलाक तलाक तलाक. कैसे शादी नहीं की तो तलाक किस बात का? हमारे फैमिली मैटर में ना तुमको इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है. ओके शादी नहीं की तुमको बड़ा पता है शादी की है कि नहीं की है. एक साल पहले हमारी शादी हो चुकी है. क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत है मेरे पास लेकिन वो स्कूल गया हुआ है अभी. इतना झूठ बोल रही भाजी. एक साल पहले शादी हुई. सबूत. एक साल का बच्चा कौन सा स्कूल जाता है? नहीं नहीं शादी एक साल पहले हुई है. पेपर वर्क तुम्हारा बहुत पहले हो गया था. सारा समाज सबूत मांगता है ना. तो सबूत मेरे पास है. सिद्धू जी हम दोनों हनीमून पे गए थे. ओह. और हनीमून पे जब गए थे ना तो वहाँ पे हमने ना मतलब एक वीडियो बनाया था. थोड़ा सा हमारा प्राइवेट वीडियो है तो वो मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूँगी. रामू काका मोबाइल लेके आना. मेरा मोबाइल फोन है. आओ वीडियो प्ले करते हैं. आइए 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 मोबाइल में वीडियो प्ले. हम लोग मनाली में हैं. ठंड कितनी लग रही है ना. अरे नहा दे तो बेबी. अरे आपका हाथ तो बहुत ज्यादा ठंड है. नहीं नहीं हाथ क्यों? ये तो बर्फ कैसा हाथ है आपका. हाथ नहीं पकड़ना मेरा. बेबी हम हनीमून पे हैं. इशारा समझा करो. मुझे पता है हम हनीमून पे हैं और आपका इशारा है यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा है. और आपका इशारा है कि डर खत्म हो गया. शट अप कर मामा चुप कर जा. पीछे से बोल रहा है बर्फ खत्म हो गया. खत्म हो गया कहता. खत्म हो गया बर्फ. खत्म हो गई. तो अभी इशारे की बात कर रहे थे हम. मैं समझती हूँ आपका इशारा है कि इस ठंड के मौसम में मैं अपना शॉल और मफलर आपको दे दूं ताकि आपको ठंड ना लगे. ओके. और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी. मेरे को जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है. सजदे में यूं ही झुकता हूं तुम पे ही आगे रुकता हूं. क्या ये सब को होता है उनको जाने सबसे हमसे ही सब बातें अब से मंगा है वो
Buffering. Buffering ho rahi hai. Buffer ho raha hai. बैटरी लो अरे सुनो ऐसा होता तुम्हारा हनीमून हाँ एग्जैक्टली मैं आज यहाँ पे आई हूँ तो तलाक लेके रहूँगी ये पेपर ये रा पेन डिवोर्स एग्रीमेंट यहाँ पे आप साइन करिए चलिए मुंह पे लगा दो पीछे जरन भी उसको उल्टी आ रही है शायद अच्छा रो रही हो सॉरी सॉरी मुझे नहीं पता मुझे लगा शायद वॉमिट कर रही हो छह महीने से मिले नहीं है तो वॉमिट कैसी होगी मेरे को But I'm feeling so bad, so sad. तुम रो रही हो ब्रेकअप के बाद अनुष्का को देखो ऐ दिल है मुश्किल में उनका ब्रेकअप होता है वो डांस करती है गाना लगा के आइडिया बुरा नहीं है चलो मैं अभी जा रही हूँ नहीं शुरू की मटेरियल अंदर मैरिज एग्रीमेंट का निकला देखो ओहो दोबारा हो गई शादी पक्की हो गई कोर्ट वाली हो गई ये तो चुपचाप छुड़ी के बाद घर आ जाओ चलो रणवीर अनुष्का मुझे ना एक सिटी केबल के लिए प्रोग्राम रिकॉर्ड करना है आप लोग मेरा थोड़ा साथ दे देना थोड़ा उसमें पार्टिसिपेट कर लेना जल्दी जल्दी सिटी केबल का सेटअप लगाइए चलिए हेलो एंड वेलकम मैं हूं आपकी बहुत बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल बहुत बहुत जरूरत से ज्यादा टैलेंटेड अपनी तारीफ में मैं जितने भी शब्द कहूँ शायद कम पड़ जाएंगे मैं हूँ आपकी होस्ट बम्पर सिटी केबल के इस प्रोग्राम बाल की खाल में मैं आप लोगों का स्वागत करती हूं हमारे साथ बहुत ही जानी मानी हस्तियां मौजूद हैं यहां पर आर के स्टूडियो से रणबीर कपूर एनएच 10 पर सफर करती हुई अनुष्का शर्मा और यहां पर मौजूद हैं न जाने न माने डॉक्टर मशहूर गुलाटी ना जाने या ना माने याद रख मैं डॉक्टर होने के साथ साथ तुम्हारा बॉस भी हूं
फिर ठीक है, मैं रडर कर दिया तो फिर आदमी क्या बोले। हमारे साथ यहाँ पर और जुड़ी हुई हैं ओवर वेट जुड़े वाली टीचर विद्यावती। For your kind information, मैं आपको बता दूं, देखिए रणबीर अनुष्का, मुझे टीचर इस जालिम जमाने ने बनाया है। बेसिकली जो मेरा मेन आर्ट है वो तो सिंगिंग एंड एक्टिंग है। हेलो। अच्छा मैं इतना झूठ हो रहा है यहाँ पे, इतना झूठ बोल रहे हो, मैं बताता हूँ इसका काम क्या है। ये लड़की झूठ बोल रही है। क्यों? इसका मेन काम है ऐसे अंगूठा लेके ना ऐसे गले में रगड़ती मैल निकालने का काम इसका। बात कर रही है। Shut up. You too, same. इतने बड़े बड़े मेहमान आए हैं रणबीर कपूर साहब, मैं आपका बड़ा फैन हूँ। लाइव है आप बाहर रहिए, मेरे को आप बड़े अच्छे लगते हैं, आपका बहुत ज़्यादा फैन हूँ। जब आपका गाना था बदतमीज दिल बदतमीज दिल, मैंने अपनी बीवी को सुना दूंगा कि बड़ा चिढ़ाया, वो बड़ी बदतमीज है। और मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मैं आपका फैन हूँ, मेरे को आपसे कुछ और कहना है, मेरे को ये कहना है कि मतलब आई लव यू है। अरोड़ा जी आप थोड़ा हद से ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा मेरा बढ़ना इसको दिख रहा है, खुद तेरा पेट तेरे पेटीकोट से आगे बढ़ रहा है, वो तेरे को दिख नहीं रहा है। अथू। देखिए हमारे बहुमूल्य समय को नष्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप प्लीज अपनी सीट पर पसर जाएं। ओह बेटे आप भी आए, हाउ आर यू? आई एम वेरी फाइन। मैं आपको नहीं, मैं आपके जूड़े से बात कर रहा हूँ। अब मैंने कहा इतना बड़ा हो गया, हो सकता बोलना चलना सीख गया हो। देखिए जस्ट कीप योर माउथ शट, अगर मेरे जूड़े के बारे में कुछ कहा ना आपने, ये मेरी पहचान है। ये तो बड़ी अच्छी राइमिंग होगी, इसकी पहचान जुड़ा है, इसकी पहचान कूड़ा है, ये कचरे में रहता है सारा। हाँ कचरे में रहूंगा ना जी, मुझे अपने भाई के लिए थोड़ा बहुत खाने पीने का भी सामान ढूंढना पड़ता है ना, इसलिए मैं कचरे में रहता हूँ। चलिए सबसे पहले हम चर्चा शुरू करते हैं। आज हमारा विषय है कि इंसान को दिल से सोचना चाहिए या दिमाग से। आप अपने विचार जरा इस पे प्लीज थ्रो करेंगे। देखिए मैं दोनों से सोच सकती हूँ क्योंकि मेरे पास दिल भी है और दिमाग भी है। ऑब्वियसली। किंतु परंतु अगर आपके पास एक की कमी है जो आप में से किसी की भी हो सकती है, देन उसके अकॉर्डिंगली देन यू नो एक्ट करना पड़ता है। डॉक्टर गुलाटी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप डॉक्टर हो। यस। आपका दिमाग धड़कता है? समटाइम्स यस। कैसे दिमाग कैसे धड़क सकता है? सुनो दिमाग अपने एक दिल होता है, मतलब दिल का भी दिमाग होता है। ऑब्वियसली बकवास कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, मैंने भी डॉक्टर की पढ़ाई नहीं की। नहीं नहीं मैंने देखा, देखो जो दिल होता है ना और जो दिमाग होता है दोनों में आपस में बड़ा अच्छा कनेक्शन है। आप देखिए कि आप एक दिल और दिमाग दोनों निकाल दीजिए तो इंसान 6-7 घंटे से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। मैं ये सुनी सुनाई नहीं बात बोल रहा हूँ, ये मैंने खुद करके देखा पेशेंट्स के ऊपर। अच्छा बात दिल और दिमाग की चल रही है, ये बम्पर, ये ना दिल से सोचती ना दिमाग से, ये कैसे नहीं सोचती, ये सिर्फ पेट से सोचती है। 8 किलो चावल कहाँ से मिलेंगे खाने को, 25 रोटियां कौन सी सब्जी के साथ खानी है। मैं कहता हूँ ये 2 दिन भूख हड़ताल में बैठ जाए, देश में अनाज की जो कमी है पूरी हो जाए। ऑब्वियसली ऑब्वियसली। देखिए यहाँ पर खाना खाने की बात हो रही है, लेकिन खाना खाने के अलावा एक और चीज होती है, वो होती है मार खाना। हाँ जी। ऐसा हो सकता है कि आपके साथ ऐसा कोई हादसा ना हो? मैं खाता ही नहीं मार, मैं वेजिटेरियन हूँ। मानना पड़ेगा आपने कमाल की बात की है, आपसे सिर्फ एक दरख्वास्त करना चाहूंगी मैं। मैंने दरख्वास्त मत किया, अगर थूक उड़ के तुम्हारा पूरा इधर उधर फैल जाता है। अच्छा मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ, मेरा रणबीर साहब आप एक मैसेज देना करण जौहर साहब को, उनकी फिल्मों में बड़ा कंफ्यूज होता हूँ, उनकी फिल्म आई कुछ कुछ होता है, मैं गया फिल्म देखने, फिल्म बड़ी अच्छी थी लेकिन मुझे कुछ हुआ नहीं। थोड़े दिन बाद मैंने मर्डर देखी, उसमें मर्डर तो हुआ ही हुआ और बड़ा कुछ हुआ, मेरे को बड़ा मजा आया। मैं उनको बोल रहा है ऐसा मेरे को कंफ्यूज ना किया करे। मर्डर वही फिल्म है ना जिसमें वो गाना था, भीगे होंठ तेरे प्यासा दिल मेरा लगी मुझे तन तेरा, सैटेलाइट से बात जा रही है, चमके बरसाती बंद करो ये।
आप उधर जाके बैठो, मैंने तुम्हारे जूड़े में आग लगा देनी, मैं कह रहा हूँ. फिर वो दिल्ली में बैंड बाजा वाले के साथ नहीं जाते, लाइटें पकड़ के वैसे दिखोगी, अभी वैसे दिख रही. रणबीर कपूर को ऐसे तो उसने कहा टीवी में कौन घुसता है यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा है. शट अप. मेरा भी मन कर रहा था अनुष्का जी के साथ करने के लिए, मैंने रोका अपने आप को. दूसरे के टीवी में ये डिबेट गलत दिशा में जा रही है, आप प्लीज बैठ जाइए. मैंने तेरे मौका मार देना, तेरे मौका मार देता होगा. आप आपको शर्म नहीं आती? आती है पर मैं करता नहीं. बदतमीज. इस मोहल्ले में मैं ना हूँ, पता नहीं क्या हो इस मोहल्ले का. मोहल्ले में शांति हो जाए. तू तो चाहता है मैं जाऊँ, तू शांति को अंदर ले जाए. 9820003648. Call me. Okay. चल क्या बिल्कुल मैं इस बात पे एक चीज कहना चाहूंगा कि ये बिल्कुल फालतू सिंगर है. बट आई कैन सिंग बेटर. एज अ डॉक्टर मैंने एक पेशेंट के आगे एक बार एक गाना गाया, बेहोश हुआ पड़ा था. गाना सुनते ही उसमें ऊर्जा आ गई. ऊर्जा आई तो फिर उसने मेरे को मुक्का मारा, मेरा पुर्जा पुर्जा हिल गया. बट इम्पैक्ट वॉज नाइस इफ यू सी. सिंगर ये क्या हो रहा है भाई? ओह ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये क्या पहाड़ी में हो, शायद बर्फ गिर रही है. यस आपके इलाके में बर्फ गिर रही है. हेलो डॉक्टर, मैं काम करूं, मैं आपके इलाके में आ जाऊं? नहीं नहीं नहीं, मेरे नाक में जा रही है क्योंकि बर्फ. मैं कब से देख रहा हूं तेरे को, मेरे इलाके में तो बर्फ पात कर रही है. हैं अपने इलाके में रहो. हेलो डॉक्टर गुलाटी, बढ़िया ही मौसम विभाग से. डॉक्टर गुलाटी हेलो, सिग्नल नहीं आ रहा है यहाँ पे, बर्फ है ना. हमारा संपर्क लग लग. ओहो आई एम सो सॉरी, मुझे बड़े खेत के साथ कहना पड़ रहा है कि डॉक्टर गुलाटी के साथ हमारा संपर्क टूट चुका है. नहीं नहीं, संपर्क चल रहा है. क्यों टूट गया? नहीं टूट चुका है. अरे चल रहा है संपर्क. अरे कह दिया ना टूट चुका है. मैं कह रहा हूं संपर्क चल. हेलो हेलो. अरे 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 तेरे को शर्म नहीं आती? तेरे को मेरा संपर्क टूट गया, मेरे को बेइज्जती करने के लिए प्लान, एक डॉक्टर की बेइज्जती. But yeah, I will take your leave because these are very badtamiz people and my deal is very, very clean, Dr. Mashoor Gulati, and I'll see you later. You know. I don't care, man. You just continue. चलिए हम भैंस को आगे बढ़ाते हैं. तो रणबीर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी अब तक शादी नहीं हुई है, आपको किसने रोका है, दिल ने या दिमाग ने? एक्सक्यूज मी, ये मेरा क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन है. मैं भी सिंगल हूँ, ये भी सिंगल है, क्यों नहीं शादी कर रहे आप मुझसे अभी तक, बताइए क्या रोक रहा है आपको? देखो बेटे, मैं कहता हूँ शादी वादी छोड़ो, पहले अपने जूड़े को हॉस्टल में डालो. ये बहुत खराब है सिद्धू साहब, ऐसी लड़कियाँ होती हैं अपनी शादी वाले दिन फूल वाले के साथ भाग जाती है. मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ. ये बात है तकरीबन सन 1990. एक मिनट मेरी बात सुनो पहले. मैं कह रहा हूँ मेरी बात सुनिए. ये बात है सन 1995 की. हाँ, 5 साल बाद की है. हाँ. रोहिणी में एक दिल्ली शादी हो रही थी. हाँ. मेरे दोस्त की शादी. हाँ. उसकी दुल्हन घोड़ी वाले के साथ भाग गई. अच्छा. ये क्या बात हुई? ये तो आप अपनी कहानी सुना रहे हैं, वो घोड़े वाले आप ही तो थे. हाँ तो दुल्हन उसकी थी, किस्सा उसका हो गया था फिर. आप कोई विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे? दिल और दिमाग. हाँ जी, दिल और दिमाग के बारे में क्या आप? मेरा तो ये मानना है कि दिल सोचता नहीं है, दिमाग सोचता है. लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दिल सोचता है, दिल धड़कता है, दिल से सांस आती है, दिल से खून निकलता है. दिल से कौन सी सांस आती है? दिल से नहीं आती. दिल से कहाँ से खून निकलता है? दिल से. हाँ, दिल लंग किडनी एक ही बात है, लेकिन दिमाग दिमाग जो है वो धड़कता नहीं है और दिल सोचता नहीं है. बहुत बहुत शुक्रिया आपके जवाब के लिए. ये है जवाब. बेटे इसी बात में मैं बात करना चाहूंगा. मुझे आपका चश्मा बिल्कुल नहीं पसंद आया. मुझे तो पसंद नहीं आया. व्हाट इज दिस? मैं उधर बैठा हुआ वैसे से देख रही हूँ इसको. ऐसी है. चलिए अब हम हमारी भैंस को आगे बढ़ाते हैं. हमने सुना है कि आपकी जो फिल्म है वो एक लव ट्रायंगल है, तो हमें बताइए कि ये प्यार ट्रायंगल क्यों होता है? सर्कल ट्रायंगल के बारे में पूछ रहा है. लेकिन मैं एक बात कहने जाऊंगा, ये चीजें इसके सवाल में बहुत दम है. अच्छा? ए दिल है मुश्किल में रणबीर कपूर दो लड़कियों से प्यार करता है, रियल लाइफ में ऐसा हमें महसूस करने को क्यों नहीं मिलता?
मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा. नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई ऐसी कोई बात नहीं है. ये आपको महसूस करने को मिल सकता है. आप अभी देखेंगे यहाँ पर हमारे शो में लाइव रणबीर दो दो लड़कियों के साथ रोमांस फरमाएंगे. आ जाइए आप दोनों, जरा आगे आ जाइए. आइए आइए. यस यस. आइए एक सेल्फी लेते हैं. बहुत अच्छी लग रही है. आ, आ, कम कम कम. एक बार रणबीर अनुष्का के लिए जोरदार तालियां. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल. क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज.